हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय तेल एजुकेशन चैनल और आप लोग देख रहे हो तेल के ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया हुआ है और आज हम बात करेंगे स्टाइल के बारे में। तो गाइस, टाइम को ना जाया करते हुए चलते हम अपने वीडियो के जान। तो गाइस, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, मैं अपने एमएस वर्ड पर आ चुका हूं। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पैराग्राफ कवर किया था और आज हम कवर करेंगे स्टाइल और एडिटिंग और क्लिपबोर्ड। इसके साथ हमारा होम का ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, हम जब भी एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास जो सिलेक्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल सिलेक्ट जो है राइटिंग, नॉर्मल सिलेक्ट जो सिलेक्ट जो होती है वो हमारे पास नॉर्मल राइटिंग होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो है सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। तो गाइस, हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसके अंदर हमने तीन हेडिंग देनी है और तीनों हेडिंग के नीचे हमने थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ लिखना है। तो गाइस, हम कैसे वो तीन हेडिंग लिखेंगे और तीन हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है और उसके अंदर जो है एक सिंपल डॉक्यूमेंट्री जो है किस तरीके से बनती है, उसके अंदर कौन से राइटिंग स्टाइल यूज़ होता है, क्या फॉन्ट साइज़ यूज़ होता है और किस तरीके से बनती है, तो गाइस क्या लाइन स्पेस इसके अंदर यूज़ होता है, तो वो सब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। बहुत से लोग सीवी बनाते होंगे, सीवी बनाते वक्त वो अपने जो है स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी सीवी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो गाइस, चलते हैं अपने वीडियो के जानिब। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे पास मैं अपनी एक हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ हेडिंग वन। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पे हेडिंग वन आ चुकी है। अब मैं हेडिंग वन जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो स्टाइल के अंदर मेरे पास यहाँ पे नीचे हेडिंग वन लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं सिंपल हेडिंग वन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई नाम नहीं लिखना चाह रहा, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग वन लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग वन पे जाके मैं आप जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं जैसे माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ, मेरे पास हेडिंग वन का स्टाइल आ जाए यहाँ पे और उसका कलर जो है वो कलर आ रहा है। जैसे मैं हेडिंग वन पे जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे जो साइज़ जो है हेडिंग वन का साइज़ वो मेरे पास 16 आ चुका है और यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो मैं गाइस सिंपल फॉन्ट स्टाइल जो है मैं यहाँ पर जो है टाइम्स रोमन, हम जो भी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, सीवी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो वो हम बनाएंगे टाइम्स रोमन्स पे। तो हम जाएंगे यहाँ पे सीधा टाइम्स न्यू रोमन्स पे और टाइम्स न्यू रोमन्स पे हम जैसे क्लिक करते हैं, हम यहाँ देख पा रहे हो मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन्स आ चुकी है। तो गाइस, हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो फर्स्ट हेडिंग का साइज़ जो है हम 20 तक रख सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग का साइज़ होता है वो 20 तक का होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है मेरे पास एक पैराग्राफ कॉपी हुआ है, मैं यहाँ पे वो अपना पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है स्पेस दूंगा, स्पेस अब मैं यहाँ पे स्पेस से नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे स्पेस जो है मैं टैब से दूंगा। तो गाइस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस आ चुका और मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉपी हुआ है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ हेडिंग वन का। तो आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे जो है एक पैराग्राफ आ चुका है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास हेडिंग वन आ चुकी है और हेडिंग वन के साथ मेरे पास जो है मेरा पैराग्राफ आ चुका है और मेरा पैराग्राफ जो है मेरी पैराग्राफ की राइटिंग जो है वो भी क्या होनी चाहिए, टाइम्स रोमन्स में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा टाइम्स न्यू रोमन्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइम्स न्यू रोमन्स में आ चुका है। और मेरी लाइन स्पेस जो होनी चाहिए वो लाइन स्पेस होनी चाहिए मेरे पास यहाँ पे 1.5 सिंपल, और 1.5 पे आप देख पा रहे हो मेरे टाइम यहाँ पे जो है लाइन स्पेस आ चुकी है और टाइम्स न्यू रोमन्स में मेरा आ चुका है। और यहाँ पे जो है सिंपल मेरा जो साइज़ होना चाहिए राइटिंग का, तो गाइस मैं सिंपल यहाँ पे 10 अपना साइज़ रख देता हूँ। 10 साइज़ रखने के बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी हेडिंग के जानिब। मैं यहाँ से जो है एंटर करके नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे जो है हेडिंग टू लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग टू लिखा है, आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे हेडिंग टू आ चुका है। और हेडिंग टू पे आप यहाँ पे ऊपर स्टाइल पे देख पा रहे हो मेरे पास हेडिंग टू पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे यहाँ पे हेडिंग टू पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे जो हेडिंग टू यहाँ से सिलेक्ट हो गई है। गाइस, कभी भी आपने कोई भी हेडिंग बनानी है, आपने यहाँ से नॉर्मल से नहीं हेडिंग बनानी है, आपने जो है हेडिंग यहाँ से यूज़ करनी है स्टाइल से। कोई भी हेडिंग यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ करो, आपने सिंपल यहाँ से स्टाइल से हेडिंग यूज़ करनी है, आपने नॉर्मली यहाँ से क्रिएट नहीं करनी। तो गाइस, हेडिंग टू मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है और मैक्सिमम हेडिंग टू का साइज़ जो है वो 16 होता है, 16 के अबव होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 16 हेडिंग टू का साइज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे उसको स्टाइल जो है फॉन्ट स्टाइल में यहाँ टाइम्स न्यू रोमन्स कर देता हूँ। उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे जो पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे कॉपी था, मैं वही पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसकी भी मैं यही करूँगा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके जो है साइज़ सबसे पहले 10 करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइल जो है मैं टाइम्स न्यू रोमन्स में जाऊँगा और यहाँ पे लाइन स्पेस जो है पैराग्राफ से मैं यहाँ पे 1.5 कर दूँगा। तो गाइस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरी हेडिंग टू भी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग थ्री
3 देना चाह रहा हूँ। हेडिंग 3 में जैसे यहाँ पे दूंगा, आप देख पा रहे हो कि मेरे पास हेडिंग 3 यहाँ पे आ चुकी है, और मैं यहाँ पे हेडिंग 3 को मैं जो है ऊपर से यहीं से दूंगा। तो आप देख पा रहे हो मेरे पास जो हेडिंग 3 जो है वो मैंने स्टाइल से सिलेक्ट करी है। अब मैं हेडिंग 3 स्टाइल से सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम जो हेडिंग 3 का साइज़ जो होता है वो हेडिंग 3 का साइज़ 12 होता है, और यहाँ पे मेरे पास जो हेडिंग 3 का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 3 के साइज़ को नहीं चढ़ूंगा, हेडिंग 3 का साइज़ मेरे पास यहाँ पे ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो है इसके स्टाइल को जो है मैं टाइम्स न्यू रोमन्स में दूंगा, और टाइम्स न्यू रोमन्स के बाद तो गाइस मैंने यहाँ पे जो है पैराग्राफ अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके साथ भी मैं ये करूँगा यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है यहाँ पे इसका साइज़ 10 रखूँगा। 10 रखने के बाद जो है मैं इसको जो है टाइम्स न्यू रोमन्स में रखूँगा, और इसके लाइन स्पेस जो है मैं 1.5 रखूँ। इसके बाद गाइस अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास इसी के साथ मेरी 3 हेडिंग है जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, और तीनों हेडिंग का साइज़ अलग अलग है। अब हम यहाँ पे जैसी हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो हेडिंग 1 पे मेरे पास जो है वो सिलेक्टिंग आ चुकी है। अब मैं हेडिंग 2 पे जैसे करूँगा आप देख पा रहे हो हेडिंग 2 पे आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे नीचे आके हेडिंग 3 पे जैसे करता हूँ आप ऊपर देख पा रहे हो कि मेरे पास हेडिंग 3 पे आ चुके हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से जो है हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, हेडिंग्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस इसके बाद आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एक ऑप्शन है एडिटिंग का। तो एडिटिंग का क्या काम करते हैं, यहाँ पे फाइंड का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ से सिंपल कोई भी वर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से जो है फाइंड करने के लिए अब मेरे को यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मेरी डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे नहीं पता चल रहा कि वो वर्ड कहाँ पे है, वो मेरा वर्ड गलत हो गया है या फिर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है, या हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं हमें पता चलता है कि इसकी स्पेलिंग ये नहीं थी, इसकी स्पेलिंग ये थी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद जैसे मैं फाइंड पर क्लिक करता हूँ, तो फाइंड पर क्लिक करने के बाद अब मैं जैसे ही यहाँ पर जो है स्टार्ट लिखता हूँ, मैं स्टार्ट यहाँ से फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे जो है सारे एस उसने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं एस के साथ जो है मैं जैसे ही टी लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो एस टी जितने भी थे वो मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब ए आर टी जैसे ही मैं आगे आगे करता जाऊँगा तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास जितने भी स्टार्ट थे वो इसने यहाँ से फाइंड कर लिए। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे को जो चेंज करना है वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन जो है क्यों मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन जो है रिप्लेस है। रिप्लेस का क्या मतलब है मैं आपको रिप्लेस के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद तो गाइस मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। रिप्लेस का ओपन होने के बाद मैं यहाँ से चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। जैसे अब स्टार्ट ही है, मैं स्टार्ट यहाँ पर लिखता हूँ, स्टार्ट लिखता हूँ। स्टार्ट के आगे मैं चाहता हूँ जितने भी स्टार्ट हैं यहाँ पर और यहाँ के जो स्टार्ट हैं वो स्टार्ट जो है रिप्लेस हो जाए किस में, यहाँ पर टी कैपिटल आ जाए और ए आर टी रहे स्टार्ट ही, लेकिन टी जितने भी हैं वो सारे कैपिटल है। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहला स्टार्ट यहाँ पे आ चुका है। आप देख पा रहे हो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये स्टार्ट जो है रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास नेक्स्ट उसने बता दिया रिप्लेस। इसके बाद मैं यहाँ अभी स्टार्ट, तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ स्टार्ट पर जो टी है वो कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया है। मैं इस पर रिप्लेस करता हूँ आगे वाले पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे पास नेक्स्ट स्टार्ट यहाँ पे उसने फाइंड करा। फाइंड करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये भी रिप्लेस हो जाए, तो आप देख पा रहे हो उसके भी टी आ गए। तो आई होप गाइस आप लोगों को इस ऑप्शन के बारे में क्लियर हो गई होगी। इसके बाद गाइस यहाँ पर जो है सेलेक्ट है, नीचे सेलेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, ऑल सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जितनी भी सब कुछ है वो सारे ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट जो है कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो है सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड क्या काम करता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ, इतना एरिया मैं सिलेक्ट करने के बाद जो है इतना मटेरियल, तो मैं गाइस में इतना मटेरियल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इतना मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से भी हम कॉपी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ ये यहाँ नीचे आ जाए। मैं यहाँ नीचे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए। नीचे आने के बाद मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ऊपर, यहाँ आप देख पा रहे हो मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन बना हुआ, और यहाँ पर आप जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट के आने के बाद मैं यहाँ पर जो है पेस्ट करता हूँ सिंपल की ओनली टी ए पे आके मैं जैसे मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ देख पा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे इतना ऑप्शन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे जो है पेस्ट हो चुका है उतना मटेरियल जितना मैंने सेलेक्ट किया था। तो गाइस आई होप आप लोगों को स्टाइल का ऑप्शन और क्लिपबोर्ड और एडिटिंग समझ आ गई होगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।